दोस्तों, जानवरों के प्रति प्यार दिखाना और उनको सच में प्यार करना, इन दोनों बातों में थोड़ा फर्क है। लेकिन कुछ मौके आते हैं जब इंसान अपनी आंखों के सामने घटित हुई घटनाओं पर भी विश्वास नहीं कर पाता। और आज मैं आपको दो सच्ची घटनाएं बताने वाला हूं, जिसमें कैसे जानवरों ने इंसानों के प्रति उनके प्यार का ऋण चुकाया। पहली कहानी है एक डॉग की, जिसने अपनी जान देकर एक छोटी बच्ची को बचाया। ये सच्ची कहानी दिल पिघला देने वाली बातों से भरी हुई है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और यकीन मानिए, आपको वो प्यार दिखाई देगा जो इंसान एक इंसान को नहीं बल्कि एक जानवर इंसान को दे सकता है। रशिया के केंद्र में एक छोटा सा गांव बसता है, जिसमें लगभग 50 लोग आज भी रहते हैं। ये पूरा गांव चारों तरफ से घने जंगलों द्वारा घिरा हुआ है। सैकड़ों मील तक यहां पेड़ों के अलावा कुछ नहीं है। इसी गांव में एक छोटी बच्ची जिसका नाम स्वेटा है, वो अपने माता पिता के साथ रहती है। जब स्वेटा का जन्म हुआ, ठीक उसी दिन इस गाँव में एक जर्मन शेपर्ड डॉग ने भी जन्म लिया। और स्वेटा के माता पिता ने स्वेटा की आने की खुशी में इस छोटे से जर्मन शेपर्ड डॉग को अपने परिवार में शामिल कर लिया। आगे चलकर यही डॉग स्वेटा का एकमात्र दोस्त बना। स्वेटा ने इस डॉग का नाम ड्रूसॉक रखा। रशियन भाषा में इसका मतलब था एक अच्छा दोस्त। दोनों एक ही दिन 6 साल के हुए और अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। दोनों में बेहद गहरी दोस्ती बन चुकी थी। बच्ची जहाँ भी जाती, पीछे पीछे ड्रूसॉक भी चला आता। गाँव के लोग स्वेटा और डॉग की दोस्ती देखकर हैरान थे। लेकिन गर्मियों का एक दिन इन दोनों के लिए बदकिस्मत साबित हुआ। छोटी बच्ची स्वेटा घर से गायब हो चुकी थी। सुबह की गई हुई बच्ची शाम तक घर वापस नहीं आई। और उस दिन डॉग को भी परिवार वालों ने चैन से बांध कर रखा हुआ था, क्योंकि स्वेटा के घर में शहर से मेहमान आए थे, जिस वजह से स्वेटा के माता पिता उन मेहमानों के साथ पूरा दिन व्यस्त थे और किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि स्वेटा कहाँ है। शाम होते होते सभी को स्वेटा की कमी महसूस हुई। उन्होंने बच्ची को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उनके सभी प्रयास नाकाम होते जा रहे थे। गांव के सभी लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी उस बच्ची को नहीं देखा था। और तभी एक बुजुर्ग महिला सामने आई और कहा कि शायद उसने बच्ची को जंगल के पास बेरीज तोड़ते हुए देखा था, लेकिन फिर भी उसे अच्छे से याद नहीं है। माता पिता और गाँव वाले तुरंत जंगल की ओर भागे, लेकिन उनको वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। कुछ ही समय में अंधेरा हो चला और बारिश भी शुरू हो चुकी थी। सभी लोग वापस स्वेटा के घर आ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल के किस हिस्से में ढूंढने की शुरुआत की जाए। रात के समय वो ढूंढने नहीं जा सकते थे, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ 3 ही लालटेन मौजूद थी। तब सभी ने मिलकर सुबह जंगल में जाने का सोचा। सभी लोग अपने घर चले गए, लेकिन स्वेटा के माता पिता अभी भी रो रहे थे। ड्रूसॉक भी बेचैन हो रहा था। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग लोग और बच्चों को छोड़कर सभी लोग जंगल में जाने को तैयार थे। इसी बीच पड़ोसी ने ड्रूसॉक को भी खाना खिलाने के लिए उसकी चैन खोली, तो उसने खाना तो देखा भी नहीं और वो सीधा जंगल की ओर भाग निकला। इंसानों से पहले जंगल में पहुंचकर डॉग भी वहां गायब हो चला था। बारिश अभी भी चल रही थी। स्वेटा की तलाश में सिर्फ वो दिन ही नहीं बल्कि पूरे 5 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। हर रोज लोग जंगल में जाते और रात होने से पहले खाली हाथ लौटाते। अब तो ड्रूसॉक को गुम हुए भी 4 दिन से ज्यादा हो चले थे, लेकिन जब वो 5वें दिन वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि स्वेटा और ड्रूसॉक दोनों उसके घर के बाहर बेसुध हालत में पड़े हुए हैं। बच्ची की हालत बेहद खराब थी और अब तक ड्रूसॉक तो मर चुका था। जंगल में ड्रूसॉक को जहरीले सांप ने काट लिया, लेकिन अपने मरने से पहले डॉग ने स्वेटा को उसके घर तक पहुंचा दिया। बच्ची को भी कई तरह के कीड़ों ने काट लिया था और डॉग ने अपने आखिरी पल में स्वेटा का वो हाथ देखा जो बुरी तरह से सूजा हुआ था। डॉग अपने अंतिम समय तक स्वेटा के हाथ को चाटकर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। ड्रूसॉक मर गया, लेकिन उसे पता था कि स्वेटा अब जिंदा बच जाएगी। इस बहादुर डॉग ने अपनी जान देकर उस छोटी सी बच्ची की जान बचाई। स्वेटा को हॉस्पिटल ले जाया गया। गाँव वाले सभी लोग ड्रूसॉक का ये प्यार देखकर हैरान थे। लोग इनको देखकर रोने लग गए। ड्रूसॉक को भी उसी जंगल में दफना दिया गया। अब अगली कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन इसमें किसी की जान नहीं जाती, सभी बच जाते हैं। ये सच्ची कहानी है एक भेड़िए की, जिसने अपना ऋण चुकता किया। अमेरिका के रहने वाले विलियम्स ने एक दिन जंगल से गुजरते हुए भेड़िए के एक बच्चे को देखा जो एक ही जगह पर बैठकर चिल्ला रहा था। विलियम उसके पास गए, लेकिन अभी भी बच्चा वहां से हिला नहीं। देखने से ही लग रहा था कि वो बेहद कमजोर और उदास हो चुका है। लेकिन उसे क्या हुआ था? वो विलियम को देखकर भागा क्यों नहीं? जिसके बाद विलियम को पता लगा कि बेचारे उस बच्चे का एक पैर टूटा हुआ है।
जिस वजह से उन्होंने उसे वहां अकेला छोड़ना सही नहीं समझा और अपने साथ उसे एक बैग में डालकर घर ले आए। उनको बेचारे इस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। घर पहुंचकर उन्होंने बच्चे के पैर का अच्छे से जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने बच्चे के पैर पर पट्टियां बांधी और कुछ दवाइयां दी। बेशक ये सब कुछ बच्चे के लिए दर्द से भरा था, लेकिन ये करना जरूरी भी था। लगभग 6 हफ्ते साथ रहने के बाद बच्चा पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वो विलियम के घर के चारों ओर घूमता, मजे से खेलता और फिर से घर के अंदर घुस जाता। विलियम ने बच्चे का नाम ग्रे रखा और अब विलियम खुद अपने हाथ से ग्रे को खाना खिलाने लगे। ग्रे को विलियम की दोस्ती बेहद पसंद आ चुकी थी। विलियम के पड़ोस में एक लड़का रहता था जो ग्रे के साथ हर रोज खेलने आता था। वो हर रोज ग्रे को नया नया खाना खिलाता, उसके साथ खेलता और फिर अपने घर वापिस चला जाता। एक दिन ग्रे विलियम के घर से गायब हो गया। विलियम ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। आदमी ने सोचा कि अब उसका जंगलीपना जाग चुका था, जिस वजह से वो जंगल में भाग गया। विलियम से ज्यादा दुख उस लड़के को लग रहा था ग्रे के चले जाने का। वो अपने दोस्त से मिलना चाहता था। विलियम ने लड़के से कहा कि वो उसे कोई और छोटा पपी ला कर देगा। इस पूरी घटना को 2 साल बीत गए। विलियम अब तक पूरी तरह से ग्रे को भूल चुका था। वो अपने घर में अकेला रह रहा था। एक दिन उस लड़के की माता विलियम के पास आई और उन्होंने कहा कि उसका बेटा सुबह घूमने गया था और अब तक वापस नहीं आया। वो हर रोज जंगल में घूमने जाया करता था। गांव के कई लोग इकट्ठा होकर जंगल में लड़के को तलाशने गए। विलियम भी अपने साथ अपनी बंदूक लेकर आगे आगे चल रहा था। लड़के को ढूंढते हुए 4 घंटे बीत चुके थे, तभी विलियम को कुछ सुनाई दिया, जैसे कोई जंगल के बीच में से भागता हुआ आ रहा हो। विलियम ने अपनी बंदूक हाथ में ली, तभी उन्होंने देखा कि एक भेड़िया छलांगे लगा रहा है। भेड़िया विलियम को पहचान चुका था। विलियम लगभग गोली चलाने ही वाला था, लेकिन तभी उन्होंने पहचान लिया कि ये तो ग्रे है। ग्रे चिल्लाता हुआ घने जंगल में जाने लगा। वो विलियम को कह रहा था कि उसका पीछा करो। कुछ दूर जाने के बाद उसने वो लड़का देखा जो वहां सोया हुआ था। विलियम ग्रे को छूना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया वो दूर हट गया। असल में वो बच्चा सुबह सुबह चक्कर खाकर जंगल में ही गिर गया था, जिसके बाद शाम तक उसका ध्यान ग्रे ने रखा। थोड़ी देर और ग्रे को देखने के बाद विलियम ने बच्चे को उठाया और अपने साथ लेकर वापिस अपने गांव आ गए। ग्रे विलियम और लड़के को अंत तक देखता रहा, जिसके बाद वो भी घने जंगलों में गायब हो गया। दोस्तों, शहद प्रकृति की बड़ी ही मीठी देन है और असली शहद आपको कहाँ मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका नाम है दादेव फॉरेस्ट हनी। ये शहद एकदम शुद्ध है, मतलब इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। ये सीधे तौर पर मधुमक्खी के छत्ते से आपकी चम्मच तक पहुंचता है। इस पर आप विश्वास इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि इसे भारत से बाहर भी देशों में भेजा जाता है, इसलिए ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी पूरी तरह से फॉलो करता है। इसे जर्मन की लेबोरेटरीज में भी टेस्ट किया जा चुका है। साथ ही दोस्तों, अब आप दादेव हनी के ट्रायल पैक्स भी खरीद सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये शहद कितना ज्यादा शुद्ध है। तो आप दादेव हनी को अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से सीधे अपने घर मंगवा सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है क्रेजी टैग को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ज्यादा चौंकाने वाली घटना किसकी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।